पूछ का एक व्यस्त बाजार। ईद के त्योहार की सरगर्मियां साफ हैं, लेकिन माहौल में तनाव भी दिख रहा है। इसकी वजह इस सीमांत कस्बे से लगी पीर पंजाल की पहाड़ियों में छुपी है। हाल के कुछ आतंकी हमलों के बाद सेना की गश्त बढ़ा दी गई है। इन घने जंगलों में छुपे आतंकियों को ढूंढना आसान नहीं है। पूंछ राजौरी इलाके में एक के बाद एक कई हमले कर चुके प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों ने यहां पनाह ली हुई है। 18 साल के वक्फे के बाद पूंछ राजौरी में आतंकवाद ने उस वक्त जन्म लिया जब अक्टूबर 2021 को सुरनकोट के इन जंगलों में सेना पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। तब से आज तक हमले के बाद हमला और इन पहाड़ों की परेशान करने वाली सच्चाई ने तमाम सिक्योरिटी कैलकुलेशंस को बिगाड़ दिया है। हाल के आतंकी हमलों और श्रद्धालुओं से भरी एक बस को आतंकियों की ओर से निशाना बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार के तेवर सख्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों से कहा है कि वो आतंकवादियों से निपटने के लिए हर मुमकिन संसाधन का इस्तेमाल करें। गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में रविवार को भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हालात का जायजा लिया। इस बीच पीर पंजाल के इलाके और चिनाब घाटी में पहली बड़ी चिंता हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर है। इन इलाकों में ही 2 दशक पहले आतंकवादियों ने कई हिंदुओं की निशाना बनाकर हत्या की थी। इसके बाद यहां आतंकवाद का सफाया कर दिया गया था, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की बस पर जिस तरह से हमला हुआ है उससे सुरक्षा बलों को आशंका है कि आतंकी फिर से 90 के दशक जैसी स्थिति पैदा करने की फिराक में है। सुरक्षा बल इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़ निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे, चुन चुन कर एक एक कर। हम ज्यादा तो तादाद नहीं है, हम इनको मार गिराएंगे। आतंक के बढ़ते खतरे के बीच पुलिस विलेज डिफेंस गार्ड की व्यवस्था को नए सिरे से शुरू कर रही है। विलेज डिफेंस गार्ड्स वो स्थानीय नागरिक हैं जिन्हें आतंकियों से निपटने के लिए हथियार और उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। डोडा पूंछ और राजौरी इलाकों में ऐसे 28,000 डिफेंस गार्ड्स हैं, जिनमें से अधिकतर हिंदू समुदाय से हैं। हाल के हमलों के बाद पूंछ के इस गांव में पुलिस लोगों को और सतर्क रहने की बात कह रही है। आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर कोई भी ऐसे हालात बने उस वक्त आप अपनी फैमिली अपने मोहल्ले के माफज हैं, ऊपर वाले के नजदीक भी कुछ भी हो ना उसी वो ग्रुप में डाल दें। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है उस ग्रुप में डालेंगे, ग्रुप में डाल सकते हैं आप। यहाँ पर ये मूवमेंट हुई है, मैं फलां साइड से कवर कर रहा हूँ, आप उस साइड से आ जाओ। इससे पहले भी हमने जब मिलिटेंसी पीक पर थी तो हम दिन रात जो अपना फर्ज निभाते रहे और शाना बशाना जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ खड़े रहे। सर ट्रेनिंग नहीं है, हिम्मत बहुत है, लड़ सकते हैं। अब जैसे बार बार हमले हो रहे हैं, जैसे हमें पुलिस ने बताया कि आप अलर्ट रहो, हम अलर्ट हैं, जब भी हमें बुलाएंगे हम तैयार हैं। सर वही जो यात्रियों पे अटैक हुआ है और भी 2-3 हुए हैं, उसकी वजह से हमें एक्टिवेट किया गया। 2003 में स्थानीय नागरिकों के सक्रिय सहयोग से सेना और पुलिस ने साझा ऑपरेशन में इस इलाके में आतंकवाद का सफाया कर दिया था, लेकिन 2021 के बाद आतंक ने फिर से सिर उठाना शुरू किया है। पूंछ और राजौरी से शुरू हुए आतंकी हमले अब डोडा इलाके तक पहुंच गए हैं। बेसिकली बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, सैयद मुस्तफा एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। 2003 में राजौरी में आतंकवाद के खात्मे में इनकी बड़ी भूमिका रही है। वो कहते हैं कि इलाके में आतंकवाद को बढ़ने से तभी रोका जा सकता है जब स्थानीय लोग सरकार के साथ हों। बेसिकली बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, आई एम अ फर्म बिलीव दैट यू हैव टू take the care of the citizens, because if you protect the citizens only then you will be able to bring peace. There was a need and there is a need to
do a comprehensive policing in which you carry along all the people so that the flow of information comes to you. अक्टूबर 2021 के बाद से जम्मू रीजन में आतंकी हमले बढ़े हैं। 9 जून 2024 को एक बस पर हमला हुआ, 9 तीर्थयात्री मारे गए। 4 मई 2024 को वायुसेना के ठिकाने पर हमला हुआ, एक एयरमैन शहीद हुआ, 5 घायल हो गए। 21 दिसंबर 2023 को सेना की एक गाड़ी पर हमला हुआ, 4 सैनिक शहीद हुए। नवंबर 2023 में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, 2 फौजी अधिकारियों समेत 5 फौजियों ने जान गंवाई। अप्रैल और मई 2023 में हुए 2 हमलों में 10 सैनिक मारे गए। 2023 में 5 आतंकी हमलों में कुछ 18 सैनिकों ने जान गंवाई। 2021 से अब तक राजौरी पुंछ इलाकों में आतंकी हमलों में 39 सैनिक मारे गए हैं। 2021 से अब तक कम से कम 20 नागरिक यहां आतंकी हमलों में जान गंवा चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि पुंछ और राजौरी रीजन में कम से कम 3 से 4 आतंकी गुट सक्रिय हैं। इतने ही आतंकी गुट डोडा इलाके में भी सक्रिय हैं। पिछले साल नवंबर में सेना ने कहा था कि पुंछ और राजौरी में 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी मारा नहीं गया है। ये आतंकी जंगल के छापामार युद्ध में अच्छी तरह से प्रशिक्षित लगते हैं। इसके अलावा इनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं, जैसे अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन और बख्तरबंद गाड़ियों को भेदने वाली गोलियां। आतंकियों के पास एक दूसरे और सीमा पार से संपर्क के लिए माइक्रो सैटेलाइट सिस्टम भी हैं, जिसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। हर हमले के बाद काफी तादाद में स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए रोका जाता है, लेकिन सुरक्षा बलों को अभी तक ये पता नहीं है कि पहाड़ियों से इन आतंकियों को टिके रहने के लिए कौन मदद कर रहा है। चिंता की बात यह है कि इतने हमलों के बावजूद इन आतंकियों को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नवंबर में सेना की स्पेशल फोर्सेस पर हमले के बाद सेना ने कहा कि आतंकियों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण मिला है। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे, और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। आतंकी हमलों में सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हवलदार अब्दुल माजिद भी शहीद हुए। पुंछ में नियंत्रण रेखा से लगे गांव अजोत में उनका परिवार गमजदा है, लेकिन उन्हें फख्र है कि उनके बेटे ने देश के लिए जान गंवाई। अब असल चिंता ये है कि नियंत्रण रेखा पर बाढ़ लगे होने और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद ये आतंकी अंदर कैसे घुस आए। उनकी इस शहादत पे मुझे फख्र है। उन्होंने ये अपने देश को बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी है, चलो इस पे मुझे फख्र है। ये कहीं कुएं से नहीं पैदा होते, कहीं दरख्तों से नहीं पैदा होते, ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। जो भी आतंकवादी आता है बाहर से आता है। अधिकारियों का कहना है कि जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आम लोगों पर हमले हालात को बिगाड़ने और सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने की साजिश है। इससे निपटना जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। पीर पंजाल से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।